शहर कराची की और तजारत की एक बहुत ही मारूफ शख्सियत मोहम्मद अब्दुल्ला बटरा साहब तशरीफ लाए हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप आज हमारे फ्लोर पर आए हैं नया उर्दू बाजार, क्या कहेंगे एंड आई ग्रुप ने जो एक इतना खूबसूरत एजुकेशनल माहौल यहाँ डेवलप किया है, आपका इस बारे में क्या कहना है? बेहद सच्ची बात तो ये कि जब इन्होंने हमें इमरान साहब ने और रजा ने हमें जब बुलवाया कि तजवीद कुरान के हिसाब से हम एक प्रोग्राम अरेंज करना चाहते हैं, तो आप आएँ, उसको अटेंड करें और समझें कि और बहुत जल्द जो है वो आदमी कुरान पढ़ना सीख जाता है। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ों का जो है ना, बहुत सारे ऑफिस का विज़िट कराया, जिसमें टीचर सेंटर पॉइंट, मैं तो परेशान हो गया कि इतने रूम बने हुए हैं, किसी में 50 सीटें लगी हुई हैं, किसी में 30 सीटें लगी हुई हैं, किसी में 10 सीटें लगी हुई हैं, और प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, और एटमॉस्फेयर ऐसा है तो महसूस ही नहीं होता कि हम इस शहर कराची में, हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं या तो दुबई में आ गया हूँ या फिर सऊदी आ गया हूँ। तो यहाँ आने के बाद जब मैंने महसूस किया और मैंने तमाम चीज़ों को देखा, तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी अपने घरों में किसी को ट्यूशन देते हैं, तो उनको घरों में ट्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ आएँ, उनसे मुलाकात करें, एक सेशन, दो सेशन, तीन सेशन, इनके जो चार्जेज हैं वो दें, और अपने स्टूडेंट्स को जो है ना यहाँ बुला के तालीम दें। उससे उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए दो दो ढाई ढाई तीन तीन घंटे कोचिंग के लिए ले जाते हैं, या जो टीचर्स हैं वो मुख्तलिफ घरों में जाते हैं, उससे एक तो ये कि टाइम की बचत है, फिर पैसे की बचत है, और फिर एक एटमॉस्फेयर बनता है जिससे एक दूसरे को देख के आदमी को ये होता है कि मैं तालीम जो है वो बढ़ के लूँ, उससे ज़्यादा कंपटीशन जो है ना बढ़ता है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ इनका ये जो वो है ये, हाँ ये जो है ये बहुत अच्छा इन्होंने स्टैंड लिया है, और मैं ये समझता हूँ कि लोगों को यहाँ आना चाहिए, लोगों को ये उर्दू बाजार का जो फ्लोर है यहाँ विजिट करना चाहिए। और मैं सिर्फ टीचर्स की बात नहीं करता हूँ, मैं तो कहता हूँ वो लोग भी आए कि जो अपने बच्चों को तालीम देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस डेस्क के ऊपर शायद यहाँ आएंगे तो उनको बहुत सारी ये इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि भाई तजवीद कुरान का ये टाइम है, इंग्लिश क्लासेस का ये टाइम है, कंप्यूटर क्लासेस का ये टाइम है। मैं तो यहाँ ये देख के तमाम चीज़ों को समझाऊँ, बाकी अब मुझे नहीं पता कि अब मैं जा रहा हूँ मजीद विजिट करने के लिए, क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद ये कह रहे हैं तजवीद कुरान का प्रोग्राम होगा, उसको मैं देखूँगा, समझूँगा, उसके बाद मैं और बेहतर तौर पर फैसला कर सकता हूँ कि और लोगों को क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसी तरह से ये कारवां चल रहा है एंड आई ग्रुप का, मोहम्मद अब्दुल्ला बटरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तजवीद कुरान की क्लासेस के लिए आप लोग हमारा पेज विजिट कर सकते हैं।